धरती पर भगवान माने जाने वाले एक डॉक्टर के पवित्र सफेद कोट पर भी क्या कुछ परछाइयां हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत पाक और साफ नजर आता है, परंतु भीतर जागने पर एक और ही तस्वीर उजागर होती है जो मलिन है, विभत्स है। एक डॉक्टर की सच्ची तस्वीर को अपने शब्दों में उकेरने और एक रूप देने का प्रयास किया है आगरा के माइक्रो सर्जन डॉक्टर अनुज कुमार ने अपनी पुस्तक शेयर ऑफ वाइट्स में, जिसका विमोचन गुरुवार को लिट आगरा के तत्वाधान में होटल हॉलीडे इन में किया गया। पुस्तक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर राकेश भाटिया, कमिश्नर एनफोर्समेंट संदीप सिंह व डॉक्टर अनुज ने मेडिकल कॉलेज लाइफ से लेकर प्रैक्टिस में आने तक के सफर की चर्चा की है। डॉक्टर अनुज ने कहा कि यह उपन्यास ही नहीं बल्कि एक नव युवक डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज की जीवन यात्रा है जो सत्य घटनाओं व अनुभवों पर आधारित है। ये शो करता है कि आप सोचते हैं कि डॉक्टर जो है व्हाइट कोट पहनता है, व्हाइट कोट जो कि बिल्कुल सफ़ेद होता है, जिसमें कोई दाग नहीं होता और बहुत इसमें रिलीजन है, बहुत इमोशन है, बहुत ह्यूमैनिटी है, लेकिन उस सफ़ेद रंग में भी कहीं पर छोटी छोटी शेडोज हैं, छोटे छोटे दाग हैं। वो दाग इसलिए कि डॉक्टर खराब है, लेकिन मैंने जो शो किया इस किताब में वो ये है कि डॉक्टर की लाइफ को जो आप लोग सोचते हैं, जो दुनिया सोचती है, ऐसा बड़ी बढ़िया लाइफ है, बहुत पैसा कमाते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग एक मेडिकल कॉलेज में होके जिस चीज़ से हम कर गुजरते हैं, जो जो चीज़ें हम देखते हैं वहाँ पर, तो उससे हमारे ऊपर एक शेडो आती है। हर चीज़ अच्छी नहीं है, हमने जो जो वहाँ सहन किया, जो जो चीज़ें हमने वहाँ देखी, जो जो चीज़ें टॉलरेट की, वो सब इस किताब में नहीं होता। विच शोज़ हमारे अंदर भी कितना कन्फ्यूजन होता है। कभी हमको लगता है कि ह्यूमैनिटी करें, कभी लगता है नहीं ह्यूमैनिटी गलत, कभी हिपोक्रेटिक ओथ अच्छी लगती है, कभी हिपोक्रेटिक ओथ हमको गलत लगती है। हम ह्यूमैनिटी करना चाहते हैं लेकिन हमको फीडबैक दूसरी तरह का मिलता है। इसकी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि हिपोक्रेटिक ओथ जिसको लेकर मेडिकल प्रोफेशन में प्रवेश करता है, इसके आगे उन्होंने बताया कि हिपोक्रेटिक ओथ जिसको लेकर वह मेडिकल प्रोफेशन में प्रवेश करता है, कभी सही लगती है, कभी सब मिथ्या लगता है। इंसानियत कभी सुख्यांत प्रतीत होती है और कभी कभी दुख्यांत और झूठ। सारे अनुभव एक परछाई की तरह एक डॉक्टर के सफेद कोट पर उजागर होते हैं और पट्टी में तपे सोने की तरह उसके व्यक्तित्व व कौशल को चमकदार व बेशकीमती बनाते हैं। डॉक्टर अनुज ने कहा कि लेखन एक नित्य कर्म ही नहीं बल्कि एक एहसास, एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपना दिल निकाल कर रख देता है और आत्मा से रूबरू हो जाता है। यही एक उत्कृष्ट भाव और वास्तविक लेखन है। मंचस्थीन अतिथियों में वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ आयन खान, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर ब्रजेश चंद्र, डॉक्टर अपर्णा पौधदार, डॉक्टर नलीन मल्होत्रा थे। संचालन निधि लाल व अदिति अनुज व धन्यवाद ज्ञापन सौरभ ने दिया।